दोस्तों वॉइस ऑफ इंडिया डब्ल्यू वी न्यूज़ चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर दिनाजपुर से ग्वालपोखर वन और ग्वालपोखर के ठीक लोधन चौक पर मौजूद हो। आप जानते हैं कि इस्लामपुर का दूसरा नंबर अगर टाउन बोला जाए, दूसरा नंबर ग्वालपोखर वन से, तो लोधन चौक है। आइए जानते हैं, इस वीडियो के साथ बने रहे। जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर लोधन ब्रांच जो खोला गया है, आइए जानते हैं, सीधा सीधा लोगों से बात करते हैं और लोग क्या कहते हैं। आइए यहाँ जो जितने भी चीफ गेस्ट हैं उन सभी से बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले इस शेर के साथ स्टार्ट करते हैं। कामयाबी का एक शेर है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों जितने भी चीफ गेस्ट यहाँ पर मौजूद है उनसे बातचीत करते हैं। आइए शुरू करने से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और लाइक करना ना भूलें। जो चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है चैनल को फॉलो करके आगे शेयर कर दिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अभी ये फिलहाल उनका एक लाइफलाइन यूनिट है, बेंगल एयरवर्सिटी लाइफलाइन का एक यूनिट है। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ के जो इलाके के लोग हैं इनको अच्छे से अच्छे सुविधा, यहाँ से लोग किशनगंज जाते हैं अल्ट्रासन के लिए, डिजिटल एक्सरे के लिए, इधर से इस्लामपुर जाना पड़ता है 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की जो आम जनता है उनके लिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो है इतना दूर नहीं जाके हम लोग के सेंटर में आए और यहाँ जो है अच्छे से अच्छे सहूलियत हासिल करें। और जितना से कम में हो तो हम लोग उतना चाहते हैं कि यहाँ गरीबों की हम उतना ही हम लोग कोशिश करेंगे कि कम में यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाए। डॉक्टर साहब एक सवाल बनता है कि यूएससी और खास करके एक्सरे ये सब चलाने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस जरूरी है, तो आज तो इसका आगाज हुआ, शुरुआत हुआ, लेकिन एक सेटअप तैयार करने में टाइम लगता है, लाइसेंसिंग का कुछ प्रॉब्लम्स होता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को हम लोग गुमराह नहीं करना। वही चीज मेन बात है कि अभी जो है हम लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं, PCPNDT होता है उनका, हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, वो जैसे आता है अभी हम लोग कुछ भी लाए नहीं। अच्छा जो है वो ओपनिंग कर रहे हैं यहाँ से एक्सरे का, और इसका लाइसेंस जैसे आएगा हम लोग जो है उसी तरह से मशीन लाएंगे और जिस दिन मशीन आएगा फिर आपको आपके जरिए जो है पब्लिक को पहुँचाया जाएगा और हम लोग का जो है मशीन लाके उसी दिन से हम लोग का अल्ट्रासोनोग्राफी स्टार्ट करेंगे। आगे डॉक्टर हैं, रिपोर्ट्स आर द वेरी वाइटल फैक्टर्स इन डिसाइडिंग वेदर डायग्नोसिस इज राइट और रॉन्ग। क्या कहना चाहेंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस हल्का हो जाता है जब किसी के पास गलत रिपोर्ट पहुँच जाता है, क्या कहना चाहेंगे? यही चीज़ हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है कहीं जैसे दूसरे क्या होता है कि कोई टेक्नीशियन से रिपोर्ट निकाल के दे देते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग का जो रेडियोलॉजिस्ट होता है तो हम लोग रेडियोलॉजिस्ट रखेंगे, और पैथोलॉजी के लिए जो है पैथोलॉजिस्ट होता है MBA होता है उनको भी हम लोग रखें। तो यहाँ का जो रिपोर्ट होगा एकदम जेन्युइन होगा, कोई ना टेक्नीशियन से आएगा ना कोई ऐसे आएगा, हम लोग जो है रेडियोलॉजिस्ट से ही रिपोर्ट बनेगा। और पैथोलॉजिस्ट के लिए जो है उसके लिए पैथोलॉजिस्ट रखता है, वो पैथोलॉजिस्ट का जो डॉक्टर है उससे ही बनेगा। इस्लामपुर सब डिविजन के अगर पिछड़ा वर्ग के हिस्सा में देखे ब्लॉक्स के हिसाब से तो ये सेकेंड में आता है, इस्लामपुर से पहले, और कह सकते हैं अगर पीछे से आए तो सेकंड में आता है ग्वालपोखर। यहाँ के आम जनता आवाम को आम दावत क्या देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम आम जनता से यही कहेंगे कि आप जो है इतना दूर नहीं जाके हम लोग के डायग्नोस्टिक सेंटर में आइए और आपको हम लोग जितना हो सके कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा फैसिलिटी और हम लोग के डायग्नोस्टिक सेंटर में। और एक चीज़ है कि हम लोग जो है धीरे धीरे OPD भी शुरू कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ OPD चलेगा। अच्छा, और यहाँ से अगर कोई पेशेंट हुआ, एमरजेंसी में आ गया, कोई गाय हुआ या फिर कोई ऑर्थो या कोई भी हुआ, तो यहाँ से हम लोग जो है तुरंत हम लोग अपना नर्सिंग होम में अगर ऑपरेशन का काम हुआ तो यहाँ से लाइफ लाइन लेके जाएंगे, वहाँ हम लोग का OP सब फैसिलिटी है, वहाँ हम लोग का OP चलेगा। तीन चौथा हिस्सा आप लोगों की खिदमत में गुजारे हैं एज अ डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले यहाँ पर जितने सारे लोग हैं आए हुए हैं सबका लोधन वासी के हिस्से से शुक्रिया। एक वक्त था 1973, देयर वाज ओनली वन शॉप मिसनूर फाउंडेशन इन लोधन, और तब से जो है पब्लिक की खिदमत के लिए हमने अपने लाइफ को जो है, और फिर धीरे 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 इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता रहा, हॉस्पिटल भी बन गया, उसके बाद दवाई की दुकानें भी हो गई, डॉक्टर लोग भी आ गए, हमें बड़ी खुशी हुई। उसके बाद जो है कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर भी हैं यहाँ पे जी ऑलरेडी चल रहे हैं, और अभी हम लोग के जो साथ जो परेशानी है वो ये कि हम लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह तो ज़्यादातर एक्सरे अल्ट्रासाउंड पेशेंट जरूरी होता है चाहिए हम लोग को, तो उसके लिए हम लोग किसी हम लोग जी अभी बीच में एक गुलाबी का पता है उसमें क्या हुआ कि वो बंद हो गया। अच्छा, और अभी जब हमको खबर मिली कि यहाँ और पेरेंट्स सेंटर के नाम से शुरू हो रहा है, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे पेशेंट को जो है, क्योंकि
तैयार होके आते थे, मगर जो किसी में जाके वो लाइन लगते क्यों लगते ये काम करना पड़ता था। तो जैसे हम लोग का जो भी काम होता है, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो दूसरे लोग पे आ जाएंगे। एक पैसे जब मेडिसिन देंगे अच्छा हुआ गांव के दूसरे को लेके आए, है ना। इसी तरीके से यहाँ का डायग्नोसिस का रिपोर्ट अगर सही तरीके सही रहेगा रिपोर्ट, तो फिर दूसरे में तो मुश्किल होगी कि अगर हमको ये फेस हो गया, हम बहुत से लोग आपसे मुखातिब है लेकिन इस वक्त हजारों लोग काफी तादाद में आपको लाइव देख रहे हैं। अपना शुभ नाम बताएं और अपना डेजिग्नेशन। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं यहाँ जो है लैब में अलग अलग जो है यहाँ पर मशीन लगाया हुआ है, जो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे और पूछते हैं। यहाँ जो है सिस्टर मौजूद है और हमारे यहाँ से जो है सर भी मौजूद है। क्या नाम आपका सर? सर मुकर्रम नाम है। मुकर्रम आलम, आप यहाँ जो है डायग्नोस्टिक सेंटर में क्या काम करते हैं? ये तो टेस्ट करते हैं, टेक्नीशियन है यहाँ का। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा हाँ, हम खाली लैब का टेक्नीशियन ही है और कुछ नहीं। अच्छा, चलिए और यहाँ जो है सिस्टर से बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, राबिया बश्री। अच्छा, आप यहाँ जो है कौन सा लैब में काम करते हैं? फिलहाल तो अभी हम लोग यहाँ आज ओपनिंग किए हैं बंगाल डायग्नोस्टिक सेंटर, और इससे पहले हम लोग फिर लाइफलाइन में टेस्ट करते थे। लाइफलाइन नर्सिंग होम जो है, लाइफलाइन नर्सिंग होम। अभी यहाँ जो लोधन में सेंटर खोला गया है, आप यहाँ कौन सा मतलब डिपार्टमेंट? जी, मैं तो टेक्नीशियन हूँ पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी टेक्नीशियन जी। ओके, तो और भी यहाँ जो है और भी सिस्टर से बात करते हैं। आपका नाम? जी, कनीस फातिमा। अच्छा, जो है कौन सा लैब में काम करते हैं? जी, फिलहाल तो हम वो क्या बोलते हैं लाइफलाइन नर्सिंग होम में काम करते हैं। अच्छा, और यहाँ आज ओपनिंग है तो बोल के सबको स्टाफ सब आए हैं तो ये देखने के लिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जो मैम से बात के, जो अलग अलग जो है यहाँ पर जो है सिस्टर लोग काम करते हैं। हमारे साथ बने रहे वॉइस मिला डब्ल्यू के साथ। पूरा डिटेल जो है आप लोग जो जिसका मैं बाइट लिया, जैसे लोगों का अलग अलग अपना राय दिया के अलग अलग बयान, तो उस वीडियो के आप जो है देख सकते हैं। और हमारे साथ जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करना ना भूलें। जो अभी वॉइस ऑफ इंडिया डब्ल्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया, चैनल को फॉलो करके आगे हमारा सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब के साथ। डिजिटल एक्सरे का यहाँ इंतजाम हो जाएगा, उसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड का इंतजाम हो जाएगा। तो ये इसके लिए पूरी टीम की तरफ से, लोधन वालों की तरफ से जो है हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं और उनका शुक्रगुजार है कि इस तरह की फैसिलिटी जो है यहाँ मिल रहा है। और लोगों को, बल्कि के लोगों को हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेंटर में आइए और हर किस्म की जो फैसिलिटी कम दाम में अच्छा फैसिलिटी यहाँ डॉक्टर फैसिलिटी रहेंगे अवेलेबल रहेंगे, ओपीडी में आप दिखाएंगे। अगर यहाँ से कोई पेशेंट रिफर करने का काम होता है तो हम लोग का डॉक्टर साहब का नसीब होगा, त्रिशुला में आपको बताइए वहाँ जो है रिफर किया जाएगा। ठीक ठीक, क्या कहना चाहेंगे? कितना खुश हैं? क्या नाम है आपका? खुश है सर, मैं डॉक्टर सरफराज और जी। आप औरतों के हैं? जी, औरतों के जी। पहली मरतबा हमारे लोधन में डायग्नोस्टिक सेंटर का आगाज किया गया है, बहुत खुशी की बात है जी। देखिए, यहाँ से हम लोग अल्ट्रासाउंड जो है ना इस्लामपुर किशनगंज भेजना पड़ता था जी। अभी अगर यहाँ लोधन में हो रहा है बहुत खुशी की बात है। औरतों के मामले में तो एक्सरे बहुत जरूरी होता है, क्या कहना चाहेंगे? एक्सरे यहाँ डिजिटल लोधन में जाने का नहीं है, पहला मरतबा एक्सरे आ रहा है डिजिटल, ये बहुत खुशी की बात है, यहाँ होना भी चाहिए। करवाना चाहते हैं जो भी डॉक्टर हो, डायग्नोसिस सही होना चाहिए, रिपोर्ट सही होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं वालपुर वासियों को सलाम और आदाब। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे इस पिछले इलाके में बंगाल डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसमें आपका डिजिटल एक्सरे से लेकर अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सब कुछ यहाँ जो है होगा। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस पिछले इलाके में ये लोग आज जो यहाँ ओपनिंग किया, ये बहुत खुशी की बात है। और हम लोग को यहाँ से 30-40 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा, जगह जगह में इस तरह से अगर सहूलियत हो तो लोगों को बहुत परेशानी से जो है छुटकारा होगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के जो ऑनर है अनवर भाई, हमारे डॉक्टर साहब तजमुल साहब है, तमाम लोगों को। बाकी फिर जो है क्या क्या होगा, कैसा क्या प्रोसेस है, हमारे डॉक्टर साहब सब लोग बताएंगे। फिर मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ कि खुशी की बात आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भाई, आप एक ऐसे शख्सियत है, आपका तंजीम ऐसा है कि सरकारी चाहे वो डायग्नोसिस सेंटर हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, उसका कुछ लिमिटेशंस होता है, उसका कैपेसिटी बहुत कम होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकारी और गैर सरकारी
इंस्टीट्यूशन अगर अपने आप में एक लिहाजा रख के चले तो लोग आगे बढ़ सकता है। एक समय आपको देखा गया कि वालपखोर के हेल्थ सेक्टर को लेकर के एहतजाज करने के लिए कितना खुश है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए इसी इलाके में जब जैसे हमारा लोधन बीपीएससी हॉस्पिटल है, हम लोग आंदोलन वगैरह किए हैं इस सिलसिले में कि भाई बेहतर हो, क्योंकि यहाँ के लोग हम लोग ऐसे ही, यहाँ के लिटरेसी रेट कम है, यहाँ के लोग हम लोग दर बदर भटक गए हैं। सरकार से हम लोग संवैधानिक अधिकार है कि सरकार को हम लोग आवाज़ अपनी पहुँचाए आंदोलन के जरिए कि भाई यहाँ और भी फैसिलिटी दिया जाए, इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट करते रहते थे। और खुशी की बात है कि प्राइवेटी से ही लेकिन हम लोग को जो है ये मौका मिल रहा है, दूर दराज नहीं जाना पड़ा, रात को 1 बजे हो 2 बजे हो हम लोग को ये फैसिलिटी मिल रहा है अपने इलाके में, बहुत खुशी की बात है। कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो कि अपना इलाका मेडिकली थोड़ा एडवांस हो रहा है। हाँ, ये एक तरह से हम लोग के लिए इलाकाई जो है, जो लोग परेशान रहते थे किशनगंज या इस्लामपुर और जो डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ पे किए हैं, हम लोग को तहे दिल से इसका जो ऑनर है इसका तहे दिल से हम लोग शुक्रिया करना चाहते हैं। और लोग जो है इधर उधर और नहीं भटकेंगे इंशाल्लाह, यहीं पे जो है अपना जो भी टेस्ट वगैरह है करवाएंगे। एकदम सरकारी हॉस्पिटल करीब में है ये तो, और सबसे बड़ी बात है ये हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर चेक भी करना चाहे तो शायद जल्दी नहीं कर लिखते थे, क्योंकि वहाँ यहाँ पर कोई इस तरह का जो है सहूलियत नहीं थी। आज ये लोग जो है यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर करके समझिए कि इलाकाई लोगों के लिए आसान कर दिया है। क्या नाम है आपका? सर, गुलाम सर क्या लगता है यहाँ का जो है अभी इलेक्टेड सिलेक्टेड मेंबर सर क्या लगता है ये हॉस्पिटल से इसमें जो है ज़्यादा सर्विस दे सकते हैं? जी कैसा? और एकदम आसानी से, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग जो है वहाँ का किस तरह टेस्ट नहीं करवा पाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है दूर सोच के समझिए कि दवाई से ही अपना काम चलाते हैं, लेकिन आज जो है वो टेस्ट करके सही समझिए कि बीमारी का जो है इलाज हो गए। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे दोस्त, इसको आप समाज की खिदमत दो तरीके से, तीन तरीके से कर सकते हैं। आप सियासत में आके लोगों को आप खिदमत कर सकते हैं, और इसी तरह जो है आप ये डायग्नोस्ट खोल के जो है आप अगर सस्ते दाम में, अच्छे दाम में, मुनासिब दाम में आपका इलाज करेंगे तो आप आगे आप खिदमत कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। इसी तरह जो है अगर आपके पास पैसे नहीं है आप दुआ करके उनके खिदमत कर सकते हैं। खिदमत करने के बहुत सारे तरीके हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे अनवर भाई और शहनशाह भाई ने ये डायग्नोस्ट खोला, मुझे दावत दी गई, मैं आया और इन्होंने जो है वहाँ धमतला में भी हॉस्पिटल खोला है और यहाँ खोला है, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का मकाम है। अल्लाह ताला हमारे इन दोनों भाइयों को कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुशफिक अहमद। क्या कहना चाहेंगे जो लोधन में फिर से यहाँ डायग्नोस्टिक सेंटर खोला गया है, आपकी तरफ से लोगों को क्या मैसेज है? দেখুন সবথেকে আগে আমি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা যে মিডিয়া পার্সন আছেন প্রত্যেকটা ছোট থেকে বড় খবর সব কভারেজ করছেন, আর থাকলো আপনাদের যে বেঙ্গল ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে, তো এই বেঙ্গল ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আপনার এখানে একটা নতুন করে একটা ব্রাঞ্চ খোলা হলো, আপনার লাইফ লাইন নার্সিংহোমের যিনি অনার রয়েছে উনিই খুলেছে, তো আমি সকল মেম্বার থেকে নিয়ে যারা ডাক্তারবাবু রয়েছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা এই লোধনের মধ্যে একটা সেন্টার তৈরি করলেন যার মাঝে যেখানে আপনারা সব কিছু অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন, আল্ট্রাসাউন্ড থেকে নিয়ে এক্স রে, ব্লাড টেস্ট, মেডিসিন, ওপিডি সবই পাচ্ছেন। তো এখানে লোধনের সাধারণ যারা মানুষ রয়েছে তারা খুব সুবিধা পাবে, কারণ তাদেরকে চিকিৎসার জন্য হয়তো ইসলামপুরে যেতে হতো, না হলে আপনাদের কিষানগঞ্জ যেতে হতো, তো সেই সুবিধাটা আপনারা এখানে লোধনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে। তো তার জন্য আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার ইনার যিনি ওনার রয়েছে আনোয়ার ভাইকে, আর তার সঙ্গে এখানকার সাধারণ মানে জনগণকেও বলবো যে আপনারাও এখানে আসে নিজের ট্রিটমেন্টটা করিয়ে যাবেন, কারণ একটা ট্রিটমেন্টের জন্য আপনাদেরকে ইসলামপুর বা কিষানগঞ্জ যেতে হচ্ছে, তো আপনার সারা দিনটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তো সেই সময়টাকে নষ্ট না করে আপনারা এখানে আসবেন, আসে নিজের চিকিৎসাটা করিয়ে যাবেন। আর তার সঙ্গে আমি এখানকার সকল মেম্বারদেরকে যারা এই বেঙ্গল ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে তাদেরকে বলবো যে আপনারাও আপনার যে সাধারণ যারা জনগণ রয়েছে, পেশেন্ট পার্টি রয়েছে, তাদের সঙ্গে যাতে ভালো করে ব্যবহার করে, কারণ ব্যবহারই হলো সব থেকে বড়ো সম্পদ। আর আজকে এই যে মূল্যবান একটা বেঙ্গল ডায়াগনস্টিক সেন্টার খোলা হলো যার মাধ্যমে নানারকম মানুষগুলো ট্রিটমেন্টটা পাবে, তো তার জন্য আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার বেঙ্গল ডায়াগনস্টিক সেন্টারের যিনি ওনার রয়েছে। আমার নাম মোহাম্মদ মসির, আমি রাজ্যের মুখপাত্র। आप सब लोगों का धन्यवाद, आप सब लोगों का शुक्रिया। जी यही लाइफलाइन नर्सिंग होम जब हमने स्टार्ट किया था धनकोला में, तभी हमारी नज़र चल रही थी कि हाँ
कौन सा ऐसा एक पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल और एरिया ऐसा हो जो हम हेल्प कर सके तो फिर सेंटर हो, डाइवर्सिटी सेंटर तो ये अच्छा रहेगा। अगर हम लोगों ने देखा तो लगा कि हाँ यहाँ यहाँ पर ऐसा फैसिलिटी नहीं था, अदरवाइज़ जो पेशेंट है काफ़ी परेशानी होती थी उनको, या तो सचिन जाना पड़ता था या तो इस्लामपुर जाना पड़ता था, तो हमने बीच का सेंटर अपनाया कि लोधन में रखा जाए तो यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं उनको काफ़ी सुविधा मिलेगा, काफ़ी ईजी होगा। गोलपुर ब्लॉक में जो लोग रहते हैं फाइनेंशियली वो सर गरीब तबके के लोग रहते हैं तो उन लोगों के लिए क्या सुविधा रहेगा ये ओपनिंग के शुभ अवसर पर आप लोग कोई खास ऑफर जैसे ओपनिंग वगैरह फ्री कुछ करना चाहते हैं? फ्री कर दी ऑलरेडी एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए के लिए और बाकी जो भी टेस्ट वगैरह है उसको फ्री कर दी। अच्छा, ओपनिंग में कौन पेशेंट देखेंगे? ओपनिंग में डॉक्टर डॉक्टर शर्मा है। अच्छा, हमारा जो इस्लामपुर एसडी हॉस्पिटल में उसके वो हमारे लोगों का चाहत है कि यहाँ आपका ऑन कॉल डॉक्टर्स ना अल्ट्रासाउंड के लिए खास कर यहाँ रेगुलर बेसिस पे होता है, उम्मीद रखते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर होंगे यहाँ से किशनगंज से जो रेडियोलॉजिस्ट है हमारे वो डॉक्टर आएंगे अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए। सर यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है? अभी डॉक्टर नहीं है, थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अपने इलाके के लोग जब भर के दूसरी जगह जाते हैं और दूसरे लोगों को सहूलियत पहुंचाते हैं, कितना कुछ होता है जी? जगह बहुत बढ़िया है और यहाँ पे ये सेकंड यूनिट है गोलपुर हॉस्पिटल, इंशाल्लाह यहाँ के लोगों को बहुत शुक्रिया। फिर से जो है तरक्की के राह पर चल रहा है तो यहाँ जो है बंगाल डायग्नोस्टिक सेंटर खोला गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखो ना, ये बेंगली डायग्नोस्टिक सेंटर जी तक खुले क्योंकि एखानकार विशेष दरकार, एखान लोकालिटी जरा मानुष अनेक दूरे जेते होच्छे, हयतो किशनगंज जेते होच्छे, ना होले इस्लामपुर जेते होच्छे, एखाने जत जेहेतु लदनी हलो एखानकार जरा लोकल मानुष आछे रात्रे असुविधा सुविधा अनेकजनेर हय तो तारा तो लदनी हो गेले भालो चिकित्सा करते पारबे। এই চিকিৎসার জন্য এই যে ডায়াগনস্টিক সেন্টার ইনি খুলেছে আমার আমাদের ইসলামপুরের যে ধনতলা আনোয়ার ভাই তাকে অনেক আমি ধন্যবাদ জানাই, এখানকার হওয়ার বিশেষ দরকার যেহেতু এই এলাকার মধ্যে একটা পরভাই পড়বে মানুষের সাথে মানে কানেক্ট হলে আস্তে আস্তে এই এলাকার উন্নতি হবে, এই উন্নতি হতে মানুষে যদি পরিষেবার ভালো মতো দিতে পারি তাহলে মানুষ নিজে অভিজ্ঞতা ছেড়ে এই ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরভাই একটা পড়বে। আমি মানুষকে বলছি যে আপনারা ওদিকে ওদিকে না যায় এই আমাদের ডায়াগনস্টিক সেন্টার ইউনাইটেড লাইফ নাইন নার্সিং হোম ডায়াগনস্টিক সেন্টার বিশেষ দরকার ছিল, এই দরকারের জন্য আমরা বুঝতে পারছি যে এই লদন চোখে আরও উন্নতি হোক, এই উন্নতি হওয়া দরকার। আমার নাম এম ডি হারুন রশিদ, আমি ইসলামপুর ব্লক কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। ये दूसरा सेंटर है, क्या हाजी साहब क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सेवा दे रहे हैं और खास करके उत्तर दिनाजपुर जो कि आपका हेल्थ सेक्टर में बहुत ही पिछड़ा है उस इलाके में सर्विस दे रहे हैं, एक बाप एक वालिद होने के हैसियत से कितना खुश है आप? बहुत खुश है।